टिप्पर के यहाँ पे आपको ट्राली का बताऊँ 1100 रुपया एक पॉइंट से उठाने का है, और टिप्पर को जो टिप्पर का रेट जो है जो 2200 से प्लस है यहाँ पे, मतलब ब्लॉक पॉइंट से उठाने का। सलाल में एक डैम्पर गया तो वहाँ पे भी 15,000 में पहुँचा, खनी तनोड़ में भी 20,000 में डैम्पर पहुँच रहा। उसके बाद डैम्पर का रेट जो है 4400 से 4500 है ब्लॉक पॉइंट से उठाने का, एक सिस्टमेटिकल, तो वहाँ पे उसे 6,000 रुपया लिया जा रहा है। तो साथ में जो लेबर भरने का वो अलग से लिया जा रहा है और उसको वन साइड पर्ची दी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार और मैं अर्जुन सिंह, इस समय मैं अरनास में हूँ। आज दिन माइनिंग ब्लॉक खुलने के बाद यहाँ पे रेट को लेकर काफ़ी इशू बने हुए हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में आए चिनका टूरिज्म प्लेस पर भी कई सवाल खड़े हो चुके हैं। इसी के विषय में हम बातचीत करने जा रहे हैं सोशल सोसाइटी ऑफ अरनास के प्रेजिडेंट करण देव सिंह जी से। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या समस्या है, क्यों रेट्स को लेकर उनको समस्याएं आ रही हैं, टूरिज्म को क्यों डैम रोक रहा है, इन सब इशू पर बातचीत करेंगे हम करण देव सिंह जी से। करण देव जी, आपका पहला स्वागत है। सर, आप हमें बताएं कि किस तरह के इशू हैं टूरिज्म को लेके, माइनिंग ब्लॉक के लेके। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को, माइनिंग डिपार्टमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो यहाँ पे माइनिंग ब्लॉक खोले हैं 11 नंबर और 14 नंबर, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये ब्लॉक्स खोले हैं। तो बड़ी ज़रूरत थी यहाँ पे सैंड्स की और बजरी की, तो और साथ में उनसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे और ज़्यादा माइनिंग ब्लॉक खोले जाएँ। आपको नहीं लगता माइनिंग ब्लॉक खुले हैं पर रेट को लेके लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है? बिल्कुल अर्जुन जी, जैसे कि आपने बताया कि माइनिंग का जो जहाँ पे मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर समस्या है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 5 साल के लिए टेंडर हुआ है इसका, बट यहाँ पे रेट बड़े ज़्यादा हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन रियासी डीसी साहब और डीएमओ साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो रेट लिस्ट है यहाँ पे, जो यहाँ पे रेट हैं जो माइनिंग के, वो यहाँ पे रेट लिस्ट नहीं लगी है, कोई नोटिफिकेशन नहीं लगी है, कोई एरिया को डिवाइड नहीं किया है, यहाँ पे बेतरतीब से चल रहा है काम। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे आके बोर्ड रेट लिस्ट होना चाहिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन लगना चाहिए और यहाँ पे एरिया पता होना चाहिए कि कौन सा ब्लॉक खुला हुआ है। यहाँ पे 5-6 ब्लॉक हैं जिसमें अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ब्लॉक कौन सा खुला हुआ है। तो यहाँ पे और मेरे 2-3 पॉइंट हैं यहाँ पे लेके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, कि यहाँ पे जो रेट हैं टिप्पर के, यहाँ पे आपको ट्राली का बताऊँ तो 1100 रुपया एक पॉइंट से उठाने का है, और टिप्पर को जो टिप्पर का रेट जो है जो 2200 से प्लस है यहाँ पे, मतलब ब्लॉक पॉइंट से उठाने का। उसके बाद डैम्पर का रेट जो है 4400 से 4500 है ब्लॉक पॉइंट से उठाने का, बट ये यहाँ उठाने का रेट है। जब ये वहाँ पर ये लेके जाते हैं तो वहाँ पे जाके, जैसे अप्रॉक्सी आपको मैं कल देख रहा था कि सलाल में एक डैम्पर गया तो वहाँ पे भी 15,000 में पहुँचा, खनी तनोड़ में भी 20,000 में डैम्पर पहुँच रहा है। तो गरीब जो, मेरा कहने का आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये कि यहाँ पे जो गरीब आवाम है उसकी बाज को उठाना चाहता हूँ मैं, उनके 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 हक के लिए बताना चाहता हूँ कि उनको बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पे। तो जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये दो गरीब बेचारे हैं, तो इनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम आई, मना किया माइनिंग डिपार्टमेंट जहाँ पे माइनिंग ब्लॉक से किसी बंदे ने इनको, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से माइनिंग नहीं उठा हुआ, मतलब आप क्या काम करते हैं? ये खचरे, तो ये कल ही मेरे से मटेरियल उठाने के लिए भी मना किया गया। हाँ, मटेरियल उठाने के लिए मना किया गया और उन्होंने मुझे कल ही बताया कि आप बोला कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप बात करते हैं, हमारी बात भी करो एडमिनिस्ट्रेशन तक की पहुँचाओगी, हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं तो हम कहाँ जाएँ। तो मैंने इनके माध्यम, मुझे इनका दर्द नहीं देखा गया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को भी और बताना चाहता हूँ और डीएमओ साहब को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रेट की जो बेतरतीबी हो रही है, मतलब यहाँ पे अगर मैंने अभी मैंने एक चैनल को और को इंटरव्यू दिया आपके चैनल माध्यम से, वो बात मिस हो गई कि मैंने यहाँ पे एक ट्रक था उसको भरने का जो होता है वो कम से कम भी उसका जो मतलब कि अगर वो देखा जाए तो 3500 में भरा जाता है जो एक सिस्टमेटिकल, तो वहाँ पे उसे 6,000 रुपया लिया जा रहा है। तो साथ में जो लेबर भरने का वो अलग से लिया जा रहा है और उसको वन साइड पर्ची दी जा रही है, मतलब 2 साइड पर्ची होती है, आपको दिखाता हूँ मैं, मेरे मोबाइल में है, तो वन साइड उसको पर्ची दी जा रही है। तो वन साइड पर्ची से क्या है कि मतलब कि उस पर ना तो GST है ना ही कोई रेट लिखा हुआ है। हमारे कैमरा पर्सन आपको पर्ची दिखाएंगे, जो पर्ची है रिक्वेस्ट आपको दीजिए पर्ची को आप जरा थोड़े कैमरे के सामने लाएं। ये वो पर्ची है जो माइनिंग के द्वारा दी जाती है जी, इस पे कोई रेट लिस्ट नहीं है और कोई उस बंदे का नाम यहाँ पे मेंशन है
और इसको कोई वो नहीं दिया गया है कि इसमें जीएसटी नहीं है, कुछ भी इंक्लूड नहीं है। मतलब रेट है कितना, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ उससे ले लिया गया है 6,000 रुपया, जो कि उसका बनता है अकॉर्डिंग प्रोसीजर के तहत, जो इन्होंने रेट जहाँ पे रखे हुए हैं, फिक्स नहीं है रेट। बट यहाँ पे जो रेट ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राली 1100 रुपया है, जो टेम्पर है 2200 रुपया है, और डैम्पर जो है 4,445 रुपये के, तो बेतरतीबी है यहाँ पे। और माइनिंग का एक और दो पॉइंट है मेरे, कि जैसे रात को जहाँ पे खनन होता है जी, वो एक गलत है। अभी समय जहाँ तक हमें पता है कि समय 7 से 7:30 के बीच में इसको बंद करना चाहिए, और समय है प्रशासन के द्वारा दिया गया, अभी 7 से 7:30 होने वाले हैं पर माइनिंग अभी। अर्जुन जी, मैं यहाँ पे लोकल ही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि रात को 11 बजे तक भी यहाँ पे खनन होता है। इस तरह के फोन हमें भी आए थे। हाँ, तो रात को 11 बजे तो और किसी का भी हादसा हो सकता है यहाँ पे, और डैम्पर की ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड यहाँ पे चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं देख रहा है। मैंने कारण जी एक बात ये भी है कि ये एरिया डैम का है, टूरिज्म को डैम रोकता है, पर डैम के द्वारा एक चिट्ठी एनओसी, वो चिट्ठी लिखी गई, उसमें ये बोला गया कि वो माइनिंग के लिए किसी को भी एनओसी नहीं दी जा सकती, उनके द्वारा नहीं दे सकते, तो ये कैसे माइनिंग ब्लॉक खुले, उस पर भी कहीं सवाल। मैं अर्जुन जी आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जो जीएम ने जो नोटिस बोर्ड लगाया है चिनकार टूरिज्म को बंद किया है, कि यहाँ पे खतरा है लोगों को कि पानी कभी भी आ सकता है, मगर इनके लिए खतरा नहीं है। आप रात को 11 बजे तक माइनिंग कर रहे हो और बोलते कि जीएम बोलता है कि क्या लगता है, क्या ये डैम का एरिया नहीं है, डैम तभी अनदेखी कर रहा है। बिल्कुल अनदेखी हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से डीएमओ रियासी से भी और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज को देखें, गौर फरमाएं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर बोलते हैं कि जीएम बोलता है कि 2.5 मीटर से ज़्यादा खनन हम नहीं कर सकते, किसमें, माइनिंग एरिया में, जो डैम का एरिया है, मगर यहाँ पे 10 फीट 20 फीट से जी नीचे से जाकर सैंड को निकाला जा रहा है दरिया से, क्या इनके लिए खतरा नहीं है? अगर टूरिज्म को इन्होंने बंद किया है तो वो लोग हैं वो फिर भी चला सकते हैं, मगर रात को ये 200 टिप्पर कहाँ जाएंगे, ये रात को 11 बजे तक भी चलता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर जल्दी से जल्दी रोक लगानी चाहिए, और इनका टाइम टेबल, इनका शेड्यूल होना चाहिए कि कितने बजे तक खनन होगा। और ये खनन को, जैसे मैंने पहले भी चैनल के माध्यम से बोला कि जो खनन का है, तो ये हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है कि जो पंचायत के अंडर होना चाहिए, लोअर हाउस में उन्होंने कहा था कि वो, तो उन्होंने कहा है यहाँ पे जितनी टेंडरिंग है, जो बीजेपी के सभी उच्च पदों पे बैठे हुए लोग हैं, जो ये ठेकेदार हैं, उन्हीं को ही मिले हैं। मैं आपके चैनल के ये भी माध्यम से बात करना चाहता हूँ, इसीलिए रेट कम नहीं किए जा रहे हैं। देखो, मैं इसमें भी बात करूंगा, बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा जो जितना मेरे को नॉलेज है, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब ये गरीब अवाम में, मेरा जो मेन मकसद होता है कि गरीब अवाम की आवाज उठाना, तो यहाँ पे ये लोग DDC जो BDC बनते हैं, तो जब वोट लेने वक्त ये सब कुछ करते हैं, मगर तो आज 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 इनको क्या आवाज नहीं उठानी चाहिए गरीबों के लिए? DDC हो, BDC हो, जहाँ के सरपंच हो, वो भाजपा के हैं, और जो ठेकेदार हैं वो भी भाजपा के हैं, इसलिए वो नहीं बोलते होंगे गरीबों की आवाज। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सरपंचस हैं जो बोलते हैं, जैसे कुछ माइनिंग के ऊपर लेके बोला उन्होंने कुछ सरपंचस ने, मगर कुछ जो DDC और BDC हैं, इन्होंने कोई बात नहीं की है। जहाँ तो इनका क्या माजरा है, जहाँ तो इनके कोई डैम्पर चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ तो इनको कुछ ना कुछ है इनके साथ सटी-गटी, कि ये कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। पर एक बात ये भी देखी जा रही है कि अदर डिस्ट्रिक्ट के अलावा यहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट में रेट ज्यादा है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में 3 या 4 रुपए हैं। हाँ। जो DC रियासी जो पहले थी इंदू चिप जी, उन्होंने कहा था कि रेट को रिवाइज किया जाएगा, पर क्या रेट को रिवाइज किया? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कठुआ, सांबा और जो जम्मू में रेट है माइनिंग के, वो 3 से 4 रुपया है, मगर यहाँ पे जो रेट है वो 11 रुपए फिट जा रहा है रेट। आपको क्या लगता है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में बैकवर्ड एरिया, यहाँ पे काफी अमीर लोग हैं, तभी इतना रेट होगा? तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन रियासी है वो चीज को देखे, DC साहब इनको इनिशिएटिव करें कि ये रेट ऐसा ज्यादा क्यों है, अगर जहाँ पे रेट ज्यादा है तो वो क्यों है, और साथ में जो गरीब आवाम जनता है, जैसे बोला जाता है कि आप मनरेगा के तहत वो काम करो, PMAY के तहत आपको घर बनाना है, आवाज योजना, तो मैंने आपके माध्यम से बोला है कि अगर आपको हंदर में भी एक, अगर हंदर में लेके जाना होगा डैम्पर, तो कम से कम उसको 20-25 हज़ार तक पड़ेगा, तो वो गरीब आदमी कहाँ से बनाएगा ये घर? तो ये पब्लिक हियरिंग हुई थी तो मैंने भी वहाँ पे कवर किया था, वहाँ के ही ठेकेदार जो जिनको ये टेंडर मिले, उन्होंने कहा था कि हम गरीबों को फ्री में देंगे, विधवाओं को फ्री में देंगे, ऐसा लगता है कि दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मैं डोगरी में कहावत है कि उनके सिकड़ उतार रहे हैं।
तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने भी वो हियरिंग सुनी थी किसी के माध्यम की, कि जो विडोज हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो गरीब हैं तबके के, ये आपके सामने दो गरीब हैं, ये वहाँ से खच्चर भर रहे हैं, तो इनको मना कर दिया जा रहा है कि बोला आप 20 रुपये फिट या कुछ ऐसा रेट इनको बोला उनकी इधर से करोगे, नहीं तो आपसे जाओ यहाँ से। तो ये गरीब ऐसा भी लगता है कि अमीर को अमीर किया जाएगा और गरीब को गरीब खत्म कर दो, ये क्या पॉलिसी है यहाँ की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम लोग जो हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो DDC हैं वो आवाज़ उठाएं यहाँ पे, अगर आप इलेक्ट होकर यहाँ पे गए हो तो आपका काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक बात उठाना। तो और मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जो माइनिंग है इनका कोई टाइम होना चाहिए और नोटिस बोर्ड होना चाहिए और नोटिफिकेशन लगी होनी चाहिए ताकि यहाँ पे इतना रेट है। यहाँ पे 17 अप्रैल को यहाँ पे मीटिंग हुई थी, मल्टीटास्किंग मीटिंग हुई थी जो कि माइनिंग डिपार्टमेंट की, उसमें रेट रिवाइज के लिए, बट वो क्या हुए थे वो मुझे, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये श्योर करना चाहिए कि ये वही रेट है कि जो रेट लिया जा रहा है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि इनके रेट में भी बदलाव है, जे इनके जो कुछ पॉइंट पे कुछ रेट लिया जाता है और कुछ पॉइंटों पे कुछ रेट लिया जाता है, तो अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग रेट। बिल्कुल, मैं डैम्पर्स को और टिपर वालों से भी उनको भी क्या बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने लोन लिए हुए हैं, वो अपने लोन चुकाएंगे, जितने का देंगे उन्होंने लेना है, तो मारा जा रहा है आवाम, गरीब आवाम, जिसने अपना घर बनाना है, जिसने कुछ काम लगाना है, तो वो उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उन्हीं के गरीबों की तरफ से कि जो मेरे सामने ये दो लोग आए, तो इनकी तरफ से मैं आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन रियासी DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये रेट को रिवाइज जो किए हैं वो रेट लिस्ट होने चाहिए यहां पे, फिर से रिवाइज किए जाएं और कम होना चाहिए रेट, ताकि गरीब लोगों को, क्योंकि ये 5 साल के लिए अगर 11 रुपये फिट के हिसाब से चलेंगे तो नहीं चलेगा ना, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी गरीब को, तो इसलिए रेट को रिवाइज किया जाए, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं। तो कैसे करण जी, टूरिज्म को डैम ने रोक दिया, डैम कहता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोई भी घटना हो सकती है, बट वो भी देखा जा सकता है कि एक युवक की मृत्यु के बाद डैम ने इस तरह का एक्शन लिया। डैम ने क्या टूरिज्म को रोका जा सकता है उनके एरिया में, तो क्या ये माइनिंग किस तरह चल रही है, इस पर भी सवाल। अर्जुन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि डैम का GM साहब का कहना था कि वहाँ पे जो खड्डा है, जो वहाँ पे मृत्यु हुई है उस लड़के की, वो खड्डे की वजह से हुई है, तो खड्डे की वजह से वहाँ पे कोई खनन हुआ होगा, खड्डे कैसे बन रहे, तो वही चीज है, तो खड्डे की वजह से हुई है तो मृत्यु, तो जो जहाँ पे खड्डे बन रहे हैं तो इसका जिम्मेवार अभी GM साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं, वहां पे तो नोटिस बोर्ड लगा दिया उन्होंने, टूरिज्म को एनओसी के बिना काम हो रहा है, बिना काम हो रहा है और इलीगल हो रहा है, अगर हो रहा है तो उनको पता कि 2.5 मीटर से उन्होंने एक नोटिस निकाला कि 2.5 मीटर से नीचे खनन आप नहीं कर सकते, मगर यहां पे तो 20-20 फुट खनन हो रहा है और रात को 10-10-11 बजे तक हो रहा है, तो कहां गया GM साहब, कहां है एडमिनिस्ट्रेशन, कहां है पुलिस वाले, ये आपके पीछे डैम्पर जा रहे हैं, इनकी स्पीड देखो ओवरलोडिंग है, कोई तरतीब नहीं है इनकी। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे रेट हैं इनको रिवाइज किया जाए, कम किया जाए, यहाँ पे नोटिस बोर्ड होना चाहिए, यहाँ पे फ्लैग्स होना चाहिए, ताकि एरिया पता चले कि कौन सा वो खुला है कौन सा बंद है। तो ये मेरा आपसे कुछ शुक्रिया करण देव सिंह जी, यदि हमारे साथ बात करने के लिए सोशल सोसाइटी ऑफ अरनास के प्रेजिडेंट करण देव सिंह जी, इनका कहना है कि डैम टूरिज्म को लेकर कई सवाल खड़े कर देता है, ये कहता है कि ये एरिया उनका है और यहाँ पे कल कोई बड़ी घटना हो सकती है, इसीलिए इस जगह पे टूरिज्म नहीं आना चाहिए, और डैम अपनी ही सिक्योरिटी के द्वारा डैम से आने वाली गाड़ियों को रोक देते हैं कि आप टूरिज्म चनका में नहीं जा सकते हैं, वहीं टूरिज्म के साथ में ही माइनिंग ब्लॉक डैम के एरिए पर चल रहे हैं, पर डैम सोया हुआ है, डैम की NOC के बिना कैसे यहाँ पे माइनिंग ब्लॉक खोले गए हैं ये हमें भी पता नहीं है। इन सवालों के पता करने की हमने काफ़ी कोशिश की पर किसी तरह का हमें पता नहीं चला है। डैम के एरिया पे टूरिज्म प्लेस बन जाते हैं, डैम के एरिया पे फॉरेस्ट की नर्सरियाँ लगा दी जाती हैं, डैम के एरिया पर क्रशर लगा दिए जाते हैं, पर डैम कहाँ होता है, डैम तब कहाँ होता है जब लोग इस तरह का काम करते हैं और उन्हें रोकने की बजाय डैम सोया रहता है, पर जब किसी एरिया की डेवलपमेंट होने लगती है या वहाँ पे टूरिज्म आने लगता है तो डैम उस चीज़ को रोक देता है। ऐसे कई बड़े सवाल जिनका जवाब तलाशने की हम कोशिश करते रहेंगे। आप देखते रहें स्टेट समाचार, कैमरामैन रुपेश ठाकुर के साथ मैं अर्जुन सिंह।